के युवकों ने हिंदुस्तान के अंदर आई इस महामारी के समय भूखों को खाना खिलाकर जीता भोपाल वासियों का दिल। मास्टर समीर खान ने जीआरबी ग्रुप बनाकर घर घर रोटी बैंक की शुरुआत अपने करीबी साथियों साउद भाई, दानिश भाई, वाहब भाई, सूफियान भाई के साथ मिलकर फुटपाथ और हॉस्पिटल के बाहर गरीबों तक रोटी पहुंचाने की मुहिम छेड़ी। केकेआर न्यूज़ भोपाल रिपोर्टर जावेद खान साथी मोहम्मद फैशल के साथ अब रहेगी हर खबर पे नजर। बने रहे केकेआर न्यूज़ के साथ। सामने हूँ जो अभी बताया था, समीर भाई के 3 दिन से रोटी बैंक चला रहे हैं और काफ़ी हद तक ये अपने स्तर से चला रहे हैं। इनको शासन प्रशासन की कोई मदद नहीं है और इनके कहने जो परमिशन है सिर्फ 1 घंटे की मिली जाती है खाना बांटने के लिए। तो मेरा आग्रह है ऐसे परमिशन के लिए कि पुलिस द्वारा भी इनको मदद दी जाए समीर भाई को, जो और ऐसी सामाजिक संस्थाएं जो भी हैं उनको भी पुलिस प्रशासन मदद करे। ना करना पड़ रहा टीम किसी के लिए? देखिए इस टाइम हम लेडी हॉस्पिटल के सामने जो कुछ समाज के लिए जो इस टाइम कोरोना में जो आए की आपदा आई हुई है उससे लड़ते हुए भी ये लोग गरीब लोगों को खाना बांट रहे हैं, मिलते हैं इनसे। अरे भाई तुम भाई ये आप कब से कर रहे हो? भाई हम लोगों को ये तीसरा दिन आया है और अल्लाह का शुक्र है कि शुरुआत हमने 25 रोटियों से करी थी। समीर भाई मेरे पास आए थे, मास्टर समीर साहब के सऊद भाई, यहाँ काफ़ी लोग हैं फुटपाथ पर सोते हैं, लेडी हॉस्पिटल में अंदर भी काफ़ी लोग हैं जिनके पास खाना नहीं पहुँच पाता। अक्सर लोग बेचारे चावल पर ही जिंदा है, इस तरीके से चावल तो मिल जाते हैं लोगों को, रोटियों के नहीं बेचारे तरफ में। तो हमने सोचा कि यार हम लोग भी कलेक्शन करके रोटी स्टार्ट करें, तो हमने शुरुआत उस रोटी से करी है। शुरुआत में पहले दिन हमें 25 रोटियाँ दी थी और अब अगर शुक्र है तीसरा चौथा दिन है तो हमारा आज हम लोगों ने कम से कम 600 रोटियाँ बांटी हैं। सऊद भाई ये रोटी का जो है और जो आप लोग कर रहे हैं तो इसके लिए आपको कोई डोनेशन कहीं से मिल रहा है या कोई सरकारी अपने तरीके से इंडिविजुअली अगर हम लोग कर रहे हैं तो हमारी तरफ से डोनेट करना चाहे तो हम उसको डोनेट भी करवा सकते हैं और उसके थ्रू भी मदद दूसरों की हो सकती है। वैसे इंडिविजुअली हम लोग ये काम अभी कर रहे हैं भोपाल अभी जगह पर। अभी फिलहाल अभी हम ये पूरा लेडी हॉस्पिटल हमारे 4 काउंटर हैं भोपाल में, एक अशोक गार्डन से है, एक उमरावदुल्ला बाग साइड है, जहांगीराबाद साइड है, एक गिनती पे है हमारा। कोई आपने ऑनलाइन नंबर ट्राई कर रखा है? ऑनलाइन अभी लोगों का नंबर आपको नहीं लग रहा, आपको समय साहब का भी है मेरा भी है और हमारे पास एक गाड़ी भी है, आप भी चार लोगों की किसी को भी ज़रूरत पड़ती है तो हम उनके घर पर ये किए। मैं के क्या न्यूज़ से जावेद खान जिसमें आप आ जाइए, खाना बांटते हुए भी दिखाया गया था मैंने और फिर दिखा रहा हूँ कि गरीबों को खाना मिला है, बैठे हुए हैं और काफ़ी लोग खाना बांटने की मुहिम तो चला रहे हैं मगर उसके अंदर कुछ लोग इसका गलत फ़ायदा भी उठा रहा है। खाने में हमने कई लोगों से देखा है कि 5-5 पैकेट लेके रख लेते हैं, इसका भी ख्याल करें, उसका खाना जाए जिसके घर जाना हो उसी को पहुँचाया जाए।